हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती थी, कौन से मदरसे कौन सी मस्जिद पे से उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहब का स्वागत कराया, पोस्टर लगाए, 1000 से ज्यादा बंदा तो एम्बुलेंस में मर गया भाई साहब, पहुंच ही नहीं पाया हॉस्पिटल, उधर से इधर और इधर से उधर। अब मेरे ये जो पहलवान बैठे, मेरे देश के जो आइडियल बैठे हैं, ये क्या चाहते हैं, कोर्ट चल करके यहाँ आ जाए, जज चल करके यहाँ का, या सुप्रीम कोर्ट आ जाए, हाई कोर्ट आ जाए, स्टेट कोर्ट आ जाए यहाँ पर। वो मोदी जी हैं जो इस देश को यहाँ से उठा करके कांग्रेसियों से छुड़वा करके, छीन करके कांग्रेसियों से, आज इस देश को वहाँ तक ले गए। आज मैं इन बेटियों की बात करूँगा, मेरे देश का संविधान इनको न्याय दिलाए। लगातार 16 दिन से प्रदर्शन पहलवानों का जंतर मंतर पर चल रहा है। इस बीच हम जंतर मंतर पहुंचे, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से 16 दिन से प्रदर्शन खिलाड़ियों का चल रहा है, कई नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, जिसके बाद कई सारे नारे लगाए जा रहे हैं, राकेश टिकैत, आज कई किसान यूनियन के लोग पहुंचे थे यहाँ पर, हौला मचाया, किस तरीके से देखते हैं इस प्रदर्शन को, क्या बेटियों को न्याय मिलना चाहिए? जय श्री राम। इस देश के 130 या 40 करोड़ जो भी हैं उन सबको मेरा जय श्री राम है भाई। मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ जो हमारे जो पहलवान बैठे ना, ये अजय देवगन और कोई शाहरुख खान नहीं है, कोई गुटके की ऐड कर रहा है, कोई दारू की ऐड कर रहा है, आइडियल उन्हें बना रखा है हमारी जनरेशन ने, जनरेशन जो आइडियल है वो ये बैठे हुए हैं, ठीक है, ये घी दूध की ऐड करते हैं भाई। इनके मंच पे इनके साथ कुछ भी हुआ है वो जाँच का विषय है, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ इनके मंच से हम ये देख रहे थे कि मोदी तेरी कवर खुदेगी, ऐसे ऐसे नारे बीच में से टांग रख के चीर देंगे, ऐसे ऐसे नारे। और एक और है यहाँ पर जो जय भीम वाले जो मीम के अपने आप को भाई बताते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती थी, कौन से मदरसे कौन सी मस्जिद पे से उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहब का स्वागत कराया, पोस्टर लगाए, कहीं नहीं लगाए, जिसको ये मीम बोलते, और वही मीम इनकी बीन बजा देंगे एक दिन, ठीक है। वो हमारे अपने भाई हैं भाई, जो आज जो भीम आर्मी वाले हमारे अपने भाई हैं, लेकिन वो हमसे कट रहे हैं, कटकूरे, लेकिन उनको एक कुछ समय बाद पता लगेगा, जो इतनी 57-58 कंट्री में किसी के नहीं हुए वो इनके कैसे हो सकते हैं, जो इस देश के सगे नहीं हो रहे वो इनके कैसे हो सकते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर चंद्रशेखर रावण आया तो कह रहा है कि मैं हल्की बात नहीं करता, कुछ दिन पहले आया, हाँ जी, हल्की बात नहीं करता यार, ये मन यार किसका यार, वो अपने न्याय के लिए बैठे हैं, यहाँ से धमकीबाजी का तुमने गुंडागर्दी चालू कर दी, यहाँ से ऐसी ऐसी वीडियो हो रही है, लोगों को धक्का दिया जा रहा है, गाली दी जा रही है, माँ बहन की गाली दी जा रही है। राकेश टिकैत भी 15 दिन का समय देखे गए, हाँ 15 दिन का समय देखे गए, ये पूरा घेरेंगे NCR, मतलब कि इनके अब्बू का राज है क्या, इनके पिताजी का राज है क्या, कितने लोग मर गए जब वो किसान आंदोलन में इन्होंने, कितने लोग मर गए, कितने एम्बुलेंस, बच्चों स्कूल नहीं जा पा रहे थे, बच्चों की कितनी एजुकेशन खराब हो गई, 1000 से ज़्यादा बंदा तो एम्बुलेंस में मर गया भाई साहब, पहुँच ही नहीं पाया हॉस्पिटल, उधर से इधर और इधर से उधर। तो ये दोबारा वही हालात दिल्ली के करने की धमकी दे रहे हैं, ये चुनौती है स्टैम्प पुलिस को। आपको लगता है 2024 को इलेक्शन को लेकर ये सारी रणनीति बनाई गई है पूरा? देखो जी, ये राजनीतिक मुद्दा है या जांच का मुद्दा है ये तो समझ नहीं आ रहा हमें, ठीक है। बृजभूषण जी ने खुद आकर के नेशनल चैनलों पे एक नहीं कम से कम 100 से ज़्यादा बार बोल दिया है, आपके जैसे पत्रकारों से वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, जब कोई गलत काम हुआ था तो उसी टाइम आवाज़ उठानी चाहिए थी, अगर चलो गलत हुआ है तो उस चीज़ को भी सिद्ध करिए आप, उनके ऊपर FIR भी दर्ज कर दी गई है। अब मेरे ये जो पहलवान बैठे, मेरे देश के जो आइडियल बैठे हैं, ये क्या चाहते हैं, कोर्ट चल करके यहाँ आ जाए, जज चल करके यहाँ का, या सुप्रीम कोर्ट आ जाए, हाई कोर्ट आ जाए, स्टेट कोर्ट आ जाए यहाँ पर, क्या यहाँ पर वो सवा लगेगी भाई? मेरे देश में जस्टिस है, कानून है, न्यायालय है, वो प्रोसेसर है ना, उसका कोई तरीका है ना उसको फॉलो करने का, तो उस तरीके पर चलिए ना, FIR दर्ज हो चुकी है, आप अब जाइए कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट का भी यही जवाब है कि आप कोर्ट आइए, उनको उठ जाना चाहिए, वहाँ से उठ जाना चाहिए। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी खुले मंच से अगर केरला स्टोरी का जिक्र कर सकते हैं तो क्या पहलवानों के लिए दो शब्द नहीं बोल सकते? देखो मोदी जी, ऐसा नहीं कि मोदी जी के संज्ञान में ये बात नहीं है, लेकिन मोदी जी हैं वो मोदी जी हैं जो इस देश को यहाँ से उठा करके कांग्रेसियों से छुड़वा करके, छीन करके कांग्रेसियों से, आज इस देश को वहाँ तक ले गए। आज दुनिया की नज़र यहाँ पर है, G20 हो रहा है हमारे देश में, G20, ठीक है जी। तो मोदी जी ऐसा नहीं, मोदी जी को पता नहीं है, और मोदी जी यहाँ पर 2-3-4-5 बहन बेटे की बात है, मोदी जी तो लाखों बच्चियों की बात कर रहे हैं, जो लाखों बच्चियाँ हमारी फंसी हुई थी, जो आज भी फंसी हुई हैं, जो विदेशों में भी अटकी हुई हैं, अभी भी ईरान सीरिया में अभी भी फंसी हुई हैं वो बच्चियाँ, ठीक है जी। लेकिन उनको छोड़ा इसलिए नहीं जा रहा है कि कुछ समय वो आतंकवादी संगठनों के साथ रह लिए हैं, उनके तौर तरीके आ गए, क्या पता ये अपने देश में या हमारे स्टेट में छोड़ने के बाद ये वहाँ पर भी खतरनाक डेंजरस साबित हो, ठीक है जी। और मोदी जी उन हजारों लाखों बेटियों की बात कर रहे हैं कि आगे इस देश की 100 करोड़ सनातनी बच्चियां भी बचें, सनातनी बहन बेटियां बच्चे सब बचें, ये देश भी बचे, क्योंकि इस देश को केवल
गजवाए हिंद और इस्लामीकरण करने की कोशिश करी हुई है। लेकिन मेरे को मैं प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इनकी भी आवाज़ उठाओ, इनके ऊपर भी एक बार आप बोलिए, ठीक है जी। मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मोदी जी केरला पता नहीं कौन कौन से स्टॉम है, ये कांग्रेसियों ने जो हमारे देश के गद्दार रहे इतने टाइम तक, इन्होंने करा क्या है, केवल ऑफ केवल इस देश पर राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएं, ठीक है, इस देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएं, इस देश के भगत सिंह जैसे हुए प्रश्न चिन्ह उठाएं, उन लोगों को टारगेट किलिंग जो हमारी सरकारें करती थी पहले, ठीक है, जो सरकार तो नहीं बोलेंगे, केवल एक पार्टी गैंग ही बोलेंगे उसे, अंग्रेजों की गैंग थी वो। लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर आरोप दो पहलवानों द्वारा लगाए गए हैं कि मेरे ब्रेस्ट पर हाथ लगाया गया और मेरे पेट पर हाथ लगाया, क्या ये आरोप लगाना साधारण सी बात है, क्या कुछ तो हुआ होगा तो इसको लेकर? एक चीज़ बताओ, जो भी जो हमारी बहन बेटियाँ जो भी पहलवानी करती है, चाहे हमारे परिवार के अंदर भी कोई एक आधी पहलवान होएगी भाई, ठीक है, हमारे पिताजी भी पहलवान थे, ठीक है, राजेंद्र नाम है उनका, वही पहलवान थे भाई, पहलवान प्लस बॉक्सर थे मेरे पिताजी, सम्मानित हैं वो भी, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ शायद मेरे को लगता है जब हमारी बहन बेटियाँ जब उतरती हैं भाई, उतरने के बाद तो भाई वो बेड टच हो जाता होगा, इसमें ये कंडीशन है ना भाई, कमर से ही पकड़ते होंगे, ऐसे ही पकड़ते होंगे, कहीं ना कहीं बेड टच हो ही जाता होगा। तो मैं अपनी इन बहनों से कहना चाहता हूँ, आप इतने बड़े आइडियल हो, इस देश की बच्चियाँ आपसे इंस्पायर होती हैं, मैं कहता हूँ अगर आपके संग कहीं गलत हुआ तो जांच होनी चाहिए, और जांचें तो देखो ना, जांचें तो 50-50 साल तक चलती है, 20-20 साल, 30-30 साल, 5-5 साल तक चलती है। मैं तो कह रहा हूँ जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। इस तरीके की अपने मंच में ना, ये गुंडे जो आ रहे हैं ना, गुंडे माफिया आ रहे, कभी ये कभी वो, इनको इतने दिनों से महिलाएं पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, साक्षी मलिक का वीडियो वायरल हुआ था अभी थोड़ी दिन पहले, रो रही थी, विनेश फोगाट रो रही थी, क्या सरकार का दिल इसको देख के नहीं पसीजता कि देश की बेटियां जिन्होंने अपना मान बढ़ाया, तिरंगा फहराया, आज वो यहां पर जंतर मंतर पर पसीना बहा रहा है। कुछ ऐसी मांग भी हो रही है ना इनकी, देखो मैं मानता हूँ मोदी जी को बोलना चाहिए इनके लिए, ठीक है, मोदी जी और अमित शाह जी से मैं कहता हूँ हाथ जोड़ करके, भैया आप आओ एक बार बोलो, ठीक है, कोई बीजेपी के ऊपर लालचन ना उठाए, ठीक है जी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी बहन बेटियों से, आपने इतनी अच्छी बात बोली कि इन्होंने तिरंगा लहराया, तो इनका भी एक कहना है, इनकी एक कंडीशन है, ठीक है जी, अगर ये जो ये चाहते हैं पहले जो हमारा सीनियर हेड जो भी बने वो हरियाणा का बने और इनके बीच का बने, और जब ये नेशनल इंटरनेशनल लड़ना चाहे ना, ये स्टेट लड़ लें, स्टेट पॉलिटिक्स, हाँ स्टेट पॉलिटिक्स, तो भाई साहब ये लगा लो ना कि भाई साहब अब ये लगा लो कि डायरेक्ट ही लड़ना चाह रहे हैं। आप बताओ आपको पत्रकारिता करने में, आपने किसी को पत्रकारिता करते हुए देखे होगी, एकदम से तो माइक नहीं पकड़ लिया होगा, लोगों को सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा, आज तभी आप सवाल जवाब कर पा रहे हो, शायद आप इतने सटीक सवाल जवाब करो जिसका हम जवाब भी ना दे पाएं, इतनी नॉलेज हमें भी ना हो, पत्रकारों को इतनी सब कुछ नॉलेज होती है। तो मैं कह रहा हूँ आप डायरेक्ट उस जगह पे कहाँ लड़ सकते हो जिस जगह की आपको नॉलेज और ट्रेनिंग ही ना हो, और बृजभूषण साहब ने इस खेल को कहाँ से कहाँ ले गए, ऊंचे स्तर पे ले गए, ठीक है, ऊंचे स्तर पे ले गए पहले के मामले में, और अब देख लो कितने गोल्ड कितने सिल्वर आ रहे हैं, धड़ाधड़ ला करके रखा है, ठीक है जी। तो आखिर बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा, आखिर बात न्यायालय न्यायालय, उसके लिए हमारे कोर्ट खुले हुए हैं, उसके लिए मेरे देश में जस्टिस है, देश में कहते हैं ना संविधान है, क्योंकि ये संविधान अभी तो है, लेकिन ये संविधान उस टाइम कहाँ था। अब देखो बहुत सारी बातें ना मन से निकलने लगती है, आज मैं इन बेटियों की बात करूंगा, मेरे देश का संविधान इनको न्याय दिलाए, लेकिन जो हमारे कश्मीरी पंडितों को तो वहाँ बुरा हाल हुआ ना, लाखों लाखों पंडितों का पता ही नहीं चला, नरसंहार हो गया, उनका भी थोड़ा ध्यान दे हमारे देश का संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।